इसको पॉजिटिव लें, ये अच्छा काम हो रहा है, पॉजिटिव लें, हर चीज में कीड़े मत निकालें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि हम महदूद वसाइल में बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों को तरक्की दे रहे हैं। गुज़िश्ता माह स्पेंसर आई अस्पताल में 4 नाबीना अफराद के कर्निये की पेवंदकारी के बाद बीनाई बहाल हुई। इस माह 3 अफराद के कर्निये की पेवंदकारी की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेंसर आई अस्पताल में कर्निये की पेवंदकारी के बाद 4 बच्चों को गुलदस्ते देने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगु करते हुए किया। जो जद्दोजहद हमने KMC ने इस स्पेंसर आई हॉस्पिटल को फिर से फाल करने की थी, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं इससे। 4 कॉर्नियाज लगाए जा चुके हैं। मैं इनकी टीम और लायंस क्लब का शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, इंसानियत के हवाले से भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सपोर्ट दे रहे हैं। स्पेंसर आई हॉस्पिटल भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये कॉर्नियाज रिप्लेस कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है KMC का कराची के लिए। यहाँ बलूचिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, पंजाब से बच्चे आए हुए हैं, इंटीरियर सिंध से बच्चे आए हुए हैं। अब ये यंग बच्चे हैं, ज़ाहिर है इनकी आँख रिप्लेस हुई है, तो ये अपनी लाइफ आगे पढ़ सकेंगे, आगे अपने आप को अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। जहाँ तक तनख्वाह का मामला है, तनख्वाह के पैसे सिंध गवर्नमेंट से मुझे मिलेंगे तो मैं आगे दूंगा। जब सिंध गवर्नमेंट से ही पैसे नहीं आएंगे तनख्वाह के, तो मैं कैसे दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से भी, जो KMC की अपनी रिकवरी भी है उसमें से भी मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ कि सैलरी टाइम पर हो जाए। मुझे पता है काफ़ी डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दी गई है, फायर रिस्क अलाउंस पेंडिंग है काफ़ी, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट में भी भेजा हुआ है रिक्वेस्ट कि ये पैसे हमें दिए जाएं ताकि हम KMC के जो फायर डिपार्टमेंट के रिस्क अलाउंस है वंस फॉर ऑल दे के ख़त्म करें। किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा है, कराची को कोई ओन नहीं करता था। आज भी जो साहिब इकतदार हैं वो कराची को ओन नहीं करते, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं चाहे वो सिंध गवर्नमेंट में बैठे हैं। कराची का बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, पानी का निज़ाम तबाह है, अस्पतालों का निज़ाम तबाह है। 13 हॉस्पिटल्स हैं, 14 हो गए हैं अब तो, अगर किडनी को भी हैं तो 14 हॉस्पिटल्स हैं KMC की, मगर जिस तरह से हम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अवाम भुगत रहे हैं, अवाम को प्रॉब्लम है। बड़ी खुशी की बात है कि ये जो लोग जवान, इनकी उम्र देखें, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और ये रोशनी जो है बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह के फजल से अब ये देखने लगे और ये दुनिया की रंगीनियों से लुत्फंदोज हो रहे हैं इस वक्त। ये बच्चा देखें, ये इतना छोटा है, लेकिन ये है कि इस वक्त पूरी ज़िंदगी इनकी पड़ी हुई है, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन इनकी कोरियोग्राफ्टिंग हो गई तो अब ये भी देखने लगा है, ये लोग भी देखने लगे हैं यहाँ। तो इस तरह से इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। जब अल्लाह ताला किसी से राज़ी हो जाता है तो ये इस किस्म के काम करवाता है इससे, और ये बड़ा सवाब का काम है। हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन कोई चीज़ साथ लेकर नहीं जाएंगे, ये जो काम है ये हमारे साथ चलेगा।